हाजुर ने कैंडी को बताया कि उसने युंजे की फोटो अपने डेस्क पर इसलिए रखी हुई थी क्योंकि वो बिल्कुल ही उसके फर्स्ट लव जैसा दिखता है। कैंडी पूछता है, तुमने तो कहा नहीं था कि तुमने कभी किसी को डेट किया ही नहीं है। हाजुन कहता है, वो उस वक्त था जब मुझे ये पता भी नहीं था कि डेट करना क्या होता है, तब मैं बहुत ही छोटा था। कैंडी कहता है, तुम तो काफी एडवांस थे। हाजुन हंसते हुए कहता है कि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो क्या था। जब मैं हाई स्कूल में युंजे से मिला तब मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हुआ, तो इसलिए मैंने खुद को मनवा लिया कि वो वही था। कैंडी पूछता है, क्या फील हुआ जो बिल्कुल वैसा ही था। हाजुन बताता है कि जिस फीलिंग्स की मुझे जरूरत थी बिल्कुल वैसी फीलिंग्स मुझे फील हुई। बचपन से लेकर हाई स्कूल तक मुझे एकदम ही घुटन जैसा महसूस होता था। मेरे फादर का कहीं पे आता पता नहीं था और मेरी मॉम एकदम ही डिप्रेशन में चली गई थी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे एकदम ही यूजलेस महसूस हो रहा था। हाजुन हर रोज ही उस पार्क में जाता था जहाँ पे वो पहली बार कैंडी से मिला था। पहले कैंडी हर वक्त वहाँ पे बैठा बैठा रोता रहता था और हाजुन को देखते ही वो रोना बंद कर देता था। मतलब कि रोना बंद करने के लिए उसे हाजुन की जरूरत पड़ती थी। युंजे के साथ भी बिल्कुल वैसा ही था। युंजे को भी हर बार हाजुन की मदद की जरूरत पड़ती थी। हाजुन बहुत ही अच्छा था, इसलिए वो युंजे की मदद नहीं करता था। वो युंजे की मदद करके खुद को यकीन दिलवाता रहता था कि उसका फर्स्ट लव यही लड़का है। ये सब कुछ सुनकर कैंडी बस यही सोचता है कि इसका मतलब वो युंजे से प्यार नहीं करता। हाजुन कैंडी का हाथ पकड़ के धीरे धीरे उसे अपने करीब खींचने लगा और बताने लगा कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं युंजे के लिए जो फील करता था वो मेरे फर्स्ट लव वाली फीलिंग्स नहीं थी। वो सिर्फ कैंडी का चेहरा देखकर स्माइल करने लगता था, तो वो थी फर्स्ट लव वाली फीलिंग्स। वो बता ही रहा था तभी कैंडी उसे किस करने लगा। उसके बाद लव मेकिंग प्रोसेस शुरू होने ही वाला था, लेकिन कैंडी के पेट से भूख चिल्लाने लगी। तो फिर हाजुन खाना बनाने चला गया। उन लोगों ने अभी जो शॉपिंग की है उसमें से वो कुछ बनाने वाला था। कैंडी भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो जो कुछ भी काम कर रहा था वो सारा काम बिगड़ रहा था। तो फिर हाजुन ने कह दिया कि तुम ये सारा काम मुझ पे ही छोड़ दो। हाजुन ने वही खट्टा और कड़वा फ्रूट पकाया था, तो कैंडी खाने से पहले थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिर में एक निवाला भी नहीं बचा। फिर हाजुन जब बर्तन साफ कर रहा था तब कैंडी उसे ही देखे जा रहा था। फिर उसके करीब गया और उसे किस करने लगा। फिर उसके बाद लव मेकिंग प्रोसेस शुरू होने वाला था, लेकिन तेज बिजली की आवाज ने कैंडी को डरा दिया। हाजुन उसे पूछता है कि तुम अंदर रूम में जाना चाहते हो। कैंडी ने बताया कि वो अंदर रूम में नहीं जाना चाहता और हाजुन को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कैंडी को बाहर की आवाजें ना सुनाई दे और सिर्फ हाजुन की आवाजें सुनाई दे। उसके दिमाग में सिर्फ हाजुन हाजुन ही चलना चाहिए। तो फिर हाजुन ने बिल्कुल वैसा ही किया। एंड में उन दोनों की बॉडी पे काफी सारे लव मार्क्स आ गए थे। हाजुन ने देखा कि कैंडी सो गया है। उसके बाद वो अपने फोन की ओर देख रहा था, लेकिन यहाँ पे कैंडी जाग रहा था। वो कहता है कि ऐसा मत करना, तुमने जो कहा उसके बाद प्लीज उसे कॉल मत करना। हाजुन कंफ्यूजिंगली कहता है कि हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो। कैंडी कहता है, ना जानने का नाटक मत करो, हम दोनों साथ में रह रहे थे, तुम तो उसके सामने ये भी नहीं मान रहे थे। हाजुन को याद आया कि कैंडी किस वक्त ये बात कर रहा है। जब कैंडी के सर में चोट लगी थी तब वो उनों के साथ हॉस्पिटल में जा रहा था, लेकिन हाजुन ने कहा था कि वो मेरे साथ मेरे घर में रह रहा है, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तो तब कैंडी ने देखा था कि हाजुन ये क्यों नहीं चाहता कि युंजे को ये पता चले कि कैंडी और हाजुन एक ही घर में रह रहे हैं। ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ को थोड़ी बताएगा कि ये मेरी दूसरी वाइफ है। मतलब कैंडी ने ऐसा सोच लिया था।